चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे प्रत्येक वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। नमस्कार, आज हम मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे। आज का ये वीडियो कानून के विद्यार्थियों के साथ साथ आम आदमी के भी बड़े काम का है, तो बने रहे शुरू से अंत तक और जानिए कुछ महत्वपूर्ण कानून के प्रावधानों को। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर वाहन नहीं चला सकता। साथ ही ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम है किसी सार्वजनिक स्थान में परिवहन यान नहीं चला सकता। और यदि इन दोनों कैटेगरी के व्यक्तियों में से कोई भी वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो वाहन मालिक पर कार्यवाही की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रोग या निःसक्तता के अधीन है तो ऐसे व्यक्ति का मोटर यान अधिनियम 1988 के अनुसार वाहन चलाने का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। सवारी वाहन में कंडक्टर के रूप में कोई व्यक्ति तभी कार्य कर सकता है यदि उसके पास कंडक्टर के रूप में कार्य करने हेतु मोटर यान प्राधिकरण का लाइसेंस अर्थात अनुज्ञप्ति हो। कोई भी वाहन तब तक सार्वजनिक जगहों पर नहीं चलाया जा सकता जब तक उस वाहन का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया हो और ना ही ऐसा वाहन मालिक किसी व्यक्ति को ऐसे वाहन को चलाने देगा। जब किसी वाहन का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तब उस वाहन को भी आरटीओ प्राधिकरण के समक्ष ले जाना होता है। कोई भी वाहन परमिट के बिना पब्लिक सर्विस के रूप में काम में नहीं लिया जाएगा, लेकिन पुलिस वाहन, दमखल और रोगी वाहन यानी एम्बुलेंस को चलाए जाने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। किसी अपराधी या शराबी या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का जिसके वाहन चलाने से जनता को खतरा हो, उस व्यक्ति का वाहन चलाने का लाइसेंस उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद रद्द किया जा सकता है। यदि कोई वाहन बेचा जाता है तो उस वाहन के स्वामित्व के अंतरण के लिए आवेदन 14 दिन के भीतर आरटीओ के समक्ष करना होता है, लेकिन जहां वाहन किसी दूसरे राज्य में अंतरित किया गया है उस दशा में यह समयावधि 45 दिन की होती है। जब कोई खाली वाहन मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा हो तो उस वाहन के परमिट की कोई आवश्यकता नहीं होती, चाहे ऐसा वाहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में ही उपयोग में क्यों नहीं आता रहा हो। यदि आपने किसी यातायात चिन्ह को नुकसान पहुंचाया हो तो आपके विरुद्ध 24 घंटे के भीतर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है, चाहे ऐसा दुर्घटनावश ही क्यों न हुआ हो। आरटीओ द्वारा वाहनों के परमिट जारी करने या नहीं करने के मामलों में आप सिविल न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। मोटरयान विभाग के अधिकारी द्वारा कोई भी ऐसा वाहन जो मालवाहक के रूप में उपयोग में लिया जा रहा हो को तुलवाने का अधिकार प्राप्त है, और यदि वाहन में माल तय सीमा से ज्यादा पाया जाता है तो ऐसी दशा में वाहन के ड्राइवर अपनी जोखिम पर ही सामान को उतारकर आगे जा सकते हैं। वाहन से सामान नहीं उतारने की दशा में आरटीओ द्वारा वाहन को वहां से जाने नहीं दिया जाएगा। किसी वाहन को सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने की गति से न तो ज्यादा चलाया जा सकता है और न ही वाहन को वाहन चलाने की न्यूनतम गति से कम पर चलाया जा सकता है। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो ये दंडनीय अपराध है। आप वाहन के रनिंग बोर्ड या छत और बोनट पर यात्रा नहीं कर सकते, यह एक अपराध है। आप अपने वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लगातार 10 घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रख सकते, लेकिन वाहनों की पार्किंग इसका अपवाद है। मोटरसाइकिल का ड्राइवर अपने अतिरिक्त एक से अधिक सवारी नहीं ले जा सकता, और यदि मोटरबाइक पर चालक के अतिरिक्त कोई सवारी है तो उसका हेलमेट पहनना भी आवश्यक है, लेकिन यदि मोटरबाइक का चालक या फिर बाइक पर सवार व्यक्ति सिख है तो उसका हेलमेट पहनना आवश्यक नहीं है। यदि आपसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी दशा में दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है, और साथ ही 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को भी उस दुर्घटना के संबंध में इतला देना आपका कर्तव्य है। यदि आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो भविष्य में आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि आपके वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है
और आपको घटनास्थल पर भीड़ के उग्र होने का अनुमान है तो आप अपने वाहन को वहां से भगाकर ले जा सकते हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस दुर्घटना के संबंध में पुलिस को सूचना देनी होगी। कोई पुलिस वाला यदि वर्दी पहने हुए हैं तो ही आपके वाहन के कागजात दिखाने की मांग कर सकता है, अन्यथा नहीं। यदि आपके वाहन का पुलिस ने चालान कर दिया है तो उसी दिन उसी कारण के लिए दोबारा चालान नहीं किया जा सकता। तो ये थे मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जिनको जान लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यातायात के नियम आप और आपके वाहन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, इनका पालन करना आपका कर्तव्य है। साथ ही कुछ और भी महत्वपूर्ण यातायात नियमों को पार्ट 2 में हम जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।